हमने आज़ादारी और करबला से वो दर्श सुना दिया कि जो हमको देना चाहिए था।
अज़ादारी और असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुसलसल गुफ्तगू जारी है कि हमको मुत्तहिद होकर रहना सिखाया, हमको इत्तेहाद की जिंदगी अता फरमाई। मगर आजकल दुनिया में देखा क्या जाता है, जो फर्श अज़ा पर आते हैं जो ये दावा करते हैं कि हम हुसैन के अज़ादार ने हम हुसैन के चाहने वाले हैं, सबसे ज्यादा इख्तलाफ उन्हीं के दरमियान पाया जाता है। इख्तलाफ भी कैसा, नाम है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, मगर इख्तलाफ ऐसा कि मेरा नौहा, मेरी मजलिस, मेरा इमाम बारगाह, मेरी अंजुमन, मेरा अज़ा खाना। अज़ादारान इमाम मसूद करबला और अज़ीज़ान मोहतरम, होना तो ये चाहिए था कि हुसैन का अज़ा खाना, हुसैन की मजलिस, हुसैन का मरसिया, हुसैन का नोहा, हुसैन का मातम, हुसैन की अंजुमन, जो अफराद और जो अज़ादार ये कहते हैं कि मेरी मजलिस, मेरा नोहा, मेरी अज़ादारी, मेरा फर्शी अज़ा, मेरा इमाम बारगाह, मेरी मजलिस, मैं उनके लिए जुमला इरशाद फरमाता हूँ, आप जाकर सुनिए, और यहीं से साहबे हुसैन की गुफ्तगू को शुरू करूँगा। जो भी अब से आपको ये कहता नजर आए कि मेरी मजलिस, तो उससे कहना कि हाँ भाई मजलिस तेरी हो जाएगी, मर जा, मर जा, जब तू मर जाएगा दुनिया कहेगी तेरे स्वयं की मजलिस, तेरे दसवें की मजलिस, तेरे बीसवें की मजलिस, तेरे चालीसवें की मजलिस। अज़ादारी ने हमको मुत्तहिद होकर जीना सिखाया। असहाबे हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में हमको क्या पैगाम दे रहे थे, उन्होंने अकेले अकेले होकर जंग की, मगर उसने भी हमको इत्तेहाद का दर्स दिया। देखो ये अज़ादारी हुसैन इब्ने अली है, मुत्तहिद होकर रहना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाला, सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असहाबे हुसैन इब्न अली की अगर जिंदगी से हम एक सीरत को अपनी जिंदगी में डालें तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो सकती है, हमारी आखिरत भी कामयाब हो सकती है। सिलसिला मोहब्बत पर आकर रुका था कि असहाबे रसूल थे, कुछ असहाबे अमीरुल मोमिनीन भी थे और बाकी अंबिया के असहाब भी थे, मगर जो मोहब्बत असहाबे हुसैन इब्न अली ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से की, वो मोहब्बत ना तो अस्हाबे रसूल ने उन रसूल से की, ना अस्हाबे अमीरुल मोमिनीन ने अमीरुल मोमिनीन से की। रिवायत ये बताती है, अल्लामा इमाम खालिद की रिवायत के जुमले हैं कि जिस वक्त रोज़े महशर होगा उस वक्त एक मुनादी निदा देगा, इदा काना यौमुल क़ियामत युनादी मुनादी एना हवारियो मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह रसूली रब्बिल आलमीन। जब क़यामत का हंगाम होगा, रोज़े महशर होगा, उसमें मुनादी निदा देगा कि मोहम्मद के वफादार कहाँ हैं। फयकुमु सलमान व मिकदाद व अबू जर। तारीख ये बताती है, अल्लामा इमाम खानी लिखते हैं कि जब मुनादी निदा देगा उस वक्त अबू जर खड़े होंगे, मिकदाद खड़े होंगे और सलमान खड़े होंगे। शायद आपने जुमले पर गौर नहीं कि मेरी तरफ मुतवज्जे रहे आप। रिवायत ये बताती है कि फयकुमु सलमान अबू जर व मिकदार, सलमान खड़े होंगे, मिकदार खड़े होंगे, सलमान खड़े होंगे, रब्बे तैयारी, हम हैं मोहम्मद के वफादार। हमार तादाद तो असहाबे रसूल की लाखों में थी, तादाद तो लाखों में थी, मगर जब वफादारों का नाम आया तो सिर्फ खड़े क्यों हुए, खड़े क्यों हुए, लाखों में तादाद थी, वफादार सिर्फ तीन। अमा हमको ये तारीख ये बताती है कि देखो रसूल के वफादार थे तीन, तादाद थी लाखों में। हुसैन इब्न अली ने रसूल आशुर क्यों फरमाया, मेरे असहाब मेरे नाना के असहाब से बेहतर, इसीलिए फरमाया कि रसूल के असहाब की तादाद थी लाखों में मगर वफादार थे तीन, हुसैन के असहाब की तादाद थी 72, सारे के सारे वफादार, सारे के सारे वफादार थे। उसके बाद फिर वो मुनादी निदा देगा, एना हवारियो अमीरुल मोमिनीन वसीय रसूल रब्बिल आलमीन अली इब्न अबी तालिब, अमीरुल मोमिनीन के हवारी और वफादार कहा है। फयकुम अमर बिन खुज़ाई, सलावत पढ़े मोहम्मद वाला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद वही मुनादी निदा देगा फिर से दूसरी मरतबा कि अली के वफादार कहा है। रिवायत ये बताती है कि अमर बिन खुज़ाई खड़े होंगे और फरमाएंगे कि मैं अली का वफादार हूँ। उसके बाद मोहम्मद बिन अबू बकर वो खड़े होकर कहेगा कि परवरदिगारा मैं अली का वफादार हूँ,
मैं अली का सहाबी हूँ। तीसरे नंबर पर भी समेत मर खड़े होकर कहेंगे कि मैं अली का वफादार हूँ। मैंने सिर्फ नाम लिया और नाम निकल कर गुजर गया। एक जुमला आपके सामने इरशाद फरमा दूं, नाम सुना आपने, मोहम्मद बिन अबू बकर जब मुनादी निदा देगा खड़ा होकर कहेगा कि अना हबीबु वसीए रसूल रब्बिल आलमीन, मैं वफादार हूँ अली इब्ने अबी तालिब का। आपने जुमला सुन लिया खामोशी से, ऐसी खामोशी से जुमला सुनने के काबिल है इज्जत मोहतरम, पूरी तवज्जो चाहता हूँ जुमला आपके हवाले करता हूँ। बेटा है अबू बकर का, वफादार है अली का। वफादार है अमीर मोमिनीन का। हमें मालूम हो गया कि अली की वफादारी और अली की मोहब्बत बाप की तरफ से नहीं मिलते, माँ की शराफत। बड़े मोहम्मद खड़े होकर कहेंगे कि इब्राहिम हम खड़े हैं, हम तैयार हैं, हमें वफादार आए अमीर मोमिनीन। अमीर मोमिनीन के असहाब बहुत से थे, मगर जब वफादारों की फहरिस्त आई तो सिर्फ तीन खड़े हुए। और मोहब्बत पर कल आकर जुमला रुका था, मोहब्बत और मजलिस खत्म होगी मोहब्बत ही से आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं और हजरत अली अकबर तक आज की मजलिस का इख्तिताम हो रहा है। याद रखें मोहब्बत कैसी असहाब है अमीर मोमिनीन के। आज छठी गुफ्तगू है और आप सब असहाब हुसैन इब्न अली की मोहब्बत को सुन जा रहे हैं। आज मेरा दिल है कि मैं असहाब अमीरुल मोमिनीन में से मीसम तम्मार की मोहब्बत आपके सामने पेश करूं कि उसे उसके आका से कितनी मोहब्बत थी। वो है मीसम तम्मार। मीसम तम्मार एक असदिया औरत के गुलाम थे। अमीरुल मोमिनीन ने मीसम को आज़ाद कराया, खिदमत रसूल में आए, रसूल की खिदमत की। वफात रसूल के बाद मीसम ने मौलाए कायनात की तरफ फिर से रुख मोड़ दिया। रसूल से तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद मौलाए कायनात की खिदमत में आ गए। मीसम का ये रवैया था, ये जिंदगी का एक सीरत थी मीसम की, कि मीसम अक्सर वफात के पैगंबर के बाद रसूल के घर जाया करते थे और जुलंद रसूल को सलाम पेश करते थे। मीसम ने एक दिन सोचा कि चलो गुलाम में सलमा के घर चला जाए और सलाम पेश कर दिया जाए। आए हजरत मीसम उम्मे सलमा के घर। उम्मे सलमा के घर आने के बाद उम्मे सलमा ने मीसम का इस्तकबाल कराया, खादिम से कहा कि अब तरी लहियत मीसम, मीसम की दाढ़ी को मुअक्कर कर दे, फिर छिड़क दे। हजरत मीसम का इस्तकबाल हुआ, आकर रसूल के घर में बैठे। इस्तकबाल करने के बाद हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया अपने खादिम से, अपने गुलाम से, कि जाकर जाकर हुजरे मेहमान खाना में मीसम को कहे कि नबी की सोचा उम्मे सलमा ने तुझे सलाम कहा है। अल्लाह अकबर, उम्मे सलमा ने तुझे सलाम कहा है। अमर यह है मीसम तम्मार रसूल का सहाबी है, अली का वफादार है, कि जिसको रसूल की सोचा सलाम कर रहे हैं, यह है असहाब हुसैन इब्न अली जिसको खुद रसूल सलाम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, मीसम को सलाम कराया गया, मीसम के लिए खाना लगाया गया, दस्तरखान पर तशरीफ फरमा है मीसम। इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान, ये थोड़ी तारीख है, यहाँ से मैं गुजर जाना चाहता हूँ आयिशा से, और इसके बाद आपको एक मंजिल है, उस मंजिल तक लेकर आना है, आप मुतवज्जो होकर होकर मुझको सुनते रहें। उसके बाद मुफस्सिर कुरान इब्न अब्बास को गुजर हुआ, मीसम ने कहा कि बिस्मिल्लाह आ जाइए, दस्तरखान पर खाना तैयार है। अब खाने के बाद एक तरफ है रसूल का सहाबी आशिक अली, एक तरफ है मुफस्सिर कुरान। उसके बाद मीसम ने इब्न अब्बास से एक जुमला फरमाया, जब ना अब्बास सल्ली अन तफसीर अल-कुरान अल्लमतु मिन अमीर अल-मोमिनीन अलैहि सलातु वस्सलाम बिहसब तंदीलिही फअल्लमतु तावीलहु, ए इब्न अब्बास उससे सवाल कर ले। सल्ली एक दावा अमीर अल-मोमिनीन ने भी किया था, सलोनी सलोनी मौला का आशिक है, दावा कर रहा है मुफस्सिर कुरान से कि मुझसे पूछ ले कुरान मजीद की तफसीर के बारे में, मैं तुझको तफसीर बताता हूँ। ए इब्न अब्बास, मैंने अपने आका से सवाल किया था तफसीर का, तंजील के हवाले से,
मेरे आका ने मुझको तावील कुरान मजीद की तालीम दी है। अब दोनों में गुफ्तगू होना शुरू हो गई। अब गुफ्तगू हो ही रही थी कि इब्ने अब्बास ने मुस्कुराकर मीसम के चेहरे की तरफ देखा। जैसे ही चेहरे की तरफ देखा कि मीसम मुस्कुरा रहे हैं, मीसम के चेहरे से खुशी जाहिर हो रही है, इब्ने अब्बास ने सवाल किया कि मीसम क्या मामला है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? और मीसम ने फरमाया कि इब्ने अब्बास, मैं उस वक्त को याद कर रहा हूँ कि जब मेरे साथ मेरे नौ साथियों को तख्त-ए-दार पर लटकाया जाएगा तो हमको देख रहा होगा। ए मीसम, ए इब्ने अब्बास, मेरा तख्त-ए-दार सबसे छोटा होगा और वो तुराब के सबसे नजदीक होगा, मिट्टी के सबसे नजदीक होगा। इब्ने अब्बास अपने मकाम से उठे, मीसम की पेशानी का बोसा लिया और फरमाया, ए मीसम, ए तंबार, तो तुराब से नजदीक होने पर इतना फख्र कर रहा है, अरे तुराब से भी ज्यादा करीब है। ये है असहाबे रसूल, असहाबे अली, कि जो अबू तुराब से सिर्फ एक निस्बत पाने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। ये है असहाबे हुसैनी, अमा जिनका खून खून हुसैन के साथ मिट्टी में मिल गया और वो मिट्टी आज खाके शिफा बन गई। अक्सर ये हुआ करता था कभी कभी, जब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम को कोई काम आ जाया करता था तो मीसम के पास आते थे, फरमाते थे मीसम दुकान मेरे हवाले कर दे और तू मेरा ये काम कर दे। मीसम, आपका हाजिर है, आप पर हमारी जान है कुर्बान। मीसम फौरन मौलाए कायनात के काम के लिए चले जाते थे और मौलाए कायनात मीसम की दुकान पर बैठकर मीसम की खजूरें बेचा करते थे। आपने जुमला सुन लिया, मुझे फिक्र नहीं की, सोचा नहीं। अब जिसकी दुकान पर बैठकर नफसुल्ला दुकानदारी करे उसका क्या मतलब? वाह 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 अल्लाह, पैसे लेते थे, खजूरें किसी बर्तन में डालते थे और उसको दे दिया करते थे ग्राहक को जो आता था। मगर अमीरुल मोमिनीन के बेचने का अंदाज मीसम से मुख्तलिफ था। अमीरुल मोमिनीन आते थे, अपनी अबा को संभालते थे, मीसम की दुकान पर आकर बैठ जाते थे। कोई ग्राहक आता था, या अली खजूर चाहिए, हम मौला क्या कहते थे, सुनो वे मौला कहते थे वो खजूर रखी है, यह तराजू रखा है, खजूर उठा तराजू में रख तोड़ कर घर ले जा, तोड़ कर घर ले जा। अली का तरीका है मुख्तलिफ, मीसम का तरीका है मुख्तलिफ। अब यही चीज मौलाए कायनात की दो से तीन मर्तबा मुनाफिकीन ने देखी कि अली इस तरीके से दुकानदारी कर रहे हैं, अली इस तरीके से दुकानदारी कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने जहनों में सोचा, जाहिल थे, अहमक थे, बेवकूफ थे, नहीं जानते थे कि अली कौन है। अली तो वह है कि जो जमीनों से ज्यादा आसमान के रास्ते को जानता हो, जो लोगों के जहनों को जानता हो, जो लोगों की फिक्र को जानता हो। आए दुकाने मीसम तंबार पर जहन में ये सोचकर कि अलयाउबिल्ला अली को पागल बनाएंगे, अली को अहमक बनाएंगे। आए अली की दुकान पर, अली से सवाल किया कि अली क्या बेच रहे हो? अली ने कहा कि खजूरें बेच रहा हूँ। फरमाया क्या जी, हमको खजूर चाहिए। इमाम ने इसे भी वही फरमाया, खजूरें रखी हैं, तराजू है, खजूरों को उठाओ, तराजू में रखो, लेकर चले जाओ। अब ये मुनाफिकीनों ने खजूरों को तोला, खजूरों को ज्यादा तोला, पैसे कम दिए, खोटे सिक्के गल्ले में डाल दिए, खजूरें लेकर चले गए। अमा वो भी आप इस तरह शायद सोच रहे थे, अली को पागल बना दिया। आप भी जिस तरीके से खामोश बैठे हैं ना, उस वक्त जिस वक्त दुकान से निकले बिल्कुल खामोश निकले,
कुछ दूर चले, आपस में कोहनी चलना शुरू हो गई। अली को बागे बना दिया, अली को बागे बना दिया, अली को लूट लिया, अली को लूट लिया। अली को मालूम ना हो सका कि हमने खोटे सिक्के गले में डाले, खजूरे ज्यादा ली। आगे अब जैसे ही एक मकाम पर जाकर बैठे, सोचा कि खजूरों को खाया जाए, जैसे ही खजूर उठाई देखा खराब है, खराब है। मुबारक हो, आपका दामाद जीत गया।
अली जंग जीत गए, सहाबा दौड़े दौड़े आए रसूल की खिदमत में, या रसूल अल्लाह अली जीत गए हैं, हमको जन्नत चाहिए, हमें कौसर चाहिए। आपने कहा था कि मुंह मांगे इनाम मिलेगा, अब रसूल ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम मक्तल की तरफ गए, तुम मैदान की तरफ गए। यहाँ पर सलमान ने मुझे पहले ही खबर दे दी, अब अस्हाब गुस्से से सलमान की तरफ देखने लगे। फरमाया, सलमान तुम तो ना मैदान में आए ना घोड़े पर सवार हुए, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि अली जंग जीत गए? सलमान ने मुस्कुराकर जुमला फरमाया, अमर तुम और हो कि जिसे अपने मौला पर यकीन नहीं है। अगर मैं मक्कल में ना भी गया, मुझे मौला पर यकीन था कि जीत अली का मुकद्दर है। अब रसूल से सलमान ने फरमाया कि रसूल अल्लाह मुंह मांगा इनाम चाहिए, आप और हम होते तो क्या मांगते? जन्नत, कौसर, शफाअत, क्या मांगते? यही चीज मांगते, असहाब यही मांगते, वो भी जन्नत के लालच में गए थे। मगर सलमान से जब रसूल ने फरमाया कि सलमान बताओ क्या चाहिए, हजरत सलमान ने ना तो जन्नत मांगी ना कौसर मांगा। सलमान ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जब मेराज पर गए थे आपने एक जुमला इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ने मेराज पर मुझे 1000 राज अता किए हैं, मुझे उन राज में से एक राज बता दी। दलील सुनेगा, मैं ये दलील बयान कर रहा हूँ कि कुआ कैसे गुफ्तगु करता है। सलमान से रसूल ने कहा, अच्छा, सलमान को रसूल ने नजदीक बुलाया, कहा कि अपना कान आगे कर। रसूल ने फरमाया कि सलमान सुनो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर इस कायनात में अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क ना करता। सुभान अल्लाह। ए सलमान, अगर इस कायनात में अली के दुश्मन ना होते, अली के हाजिर ना होते, तो खुदा जहन्नम को खल्क ना करता। और सलमान से रसूल ने एक शर्त रखी कि सलमान, ये राज सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, किसी और से ना बताना, किसी और से ना बताना। अब छत से लश्कर आ गया वापस, सलमान के पेट में बना गैस कि कैसे अली की फजीलत को छुपाए, किसी से बता भी नहीं सकता कि रसूल ने मना किया है। अब पहुंचे सहरा में, एक कुएं को देखा, अल्लाह हुकुम सुनेगा, एक कुएं को देखा सहन में आया कि कुआं तो किसी से बताएगा भी नहीं, ना तो कुएं के जबान है। सलमान ने कुएं में अपने मुंह को डाला, फौरन फरमाया कि कुएं तू जानता है, अल्लाह ने इस कायनात में अगर अली के दुश्मन ना होते तो वह जहन्नम को खल्क ना करता, यह हदीस मुझे रसूल ने बताई है। सलमान आ गए घर, सो गए बिस्तर पर। अब इस कुएं से शब की तारीकी में एक दरख्त नमूदार हुआ, शजर निकला, एक पेड़ निकला, पेड़ पर पत्ते आए, हर एक पत्ते पर लिखा था कि रसूल ने फरमाया अगर दुनिया में आलम के दुश्मन जाकर दलील सुनेगा। अब हुआ ये, रात की तारीकी में सुबह से पहले पहले एक तूफान आया, इस दरख्त के पत्ते झड़ गए, मदीने के हर घर में ये पत्ते पहुंचे। असहाब सुबह में जैसे बिस्तरों से उठे, पत्ते को उठाया, पड़ा, अगर चाहा अगर अली के दुश्मन ना होते अल्लाह जहन्नम को खल्क ना करता। रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह कयामत हो गई, या नबी अल्लाह कयामत हो रहा है तो क्या हो रहा है? कहा कि ये देखो, रसूल की खिदमत ने पत्ते को हाजिर किया। अब रसूल ने देखा कि सलमान कहाँ है। अब सलमान आ गए, सर को छुपा ले, या रसूल अल्लाह क्या कदा हो? फरमाया कि सलमान ये पढ़ो, ये बात सिर्फ तेरे अलावा और किसी को मालूम नहीं थी। सलमान ये तुमने क्या किया? मैंने तुझे मना नहीं किया था कि किसी से फिक्र ना करना। अब सलमान ने जुमला इरशाद फरमाया, जुमला सुनिएगा तवज्जो के साथ। अब सलमान ने अपनी गर्दन को झुकाया और फरमाया, या नबी अल्लाह, जब ना बोलने वाला कुआ, अली की फजीलत ना छुपा सका, मैं बोलने वाला सलमान। सलावत पढ़े मोहम्मद।
के लिए आंखें नहीं है, बोलने के लिए जबान नहीं है। या रसूल अल्लाह, जब उससे अली की फजीलत ना छुप सकी तो मैं अली की फजीलत कैसे छुपाता? दलील साबित हो गया कि कुएं ने किस तरीके से कलाम किया। अब मौलाए कायनात सलमान ने देखा कि मौलाए कायनात ने एक कुएं में अपने सर को डाला हुआ है और गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जब मीशम आ गए वहां पर, तो मीशम से मौला ने फरमाया कि मीशम मैंने तुझे मना क्या था? फरमाया कि मौला मेरा दिल बेचैन हो गया, करार था। मौला जब तक आपको ना देख लेता तो इसे सुकून ना मिलता। मौला मैं इसीलिए आ गया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, मुझे सारत दे। मौला ने सलमान की आंखों पर इस तरीके से हाथ फेरा, सलमान की आंखों से गैबत के पर्दे हटे। सलमान ने देखा कि उस शहरों में ला तादाद बेशुमार कड़े हैं। सलमान देखकर हैरान हो गए, मीशम देखकर हैरान हो गया। माजरत, अब मीशम ने जैसे उस बड़ों को देखा, फरमाया कि ए मेरे आका, मेरे मौला, मेरी जाने आप पर कुर्बान, मेरे वालदेन की जाने आप पर कुर्बान, क्या माजरा है, क्या मंजर है? फरमाया कि सदे मीशम, मुझ अली को मेरे रसूल ने, मेरे सरदार ने इस कदर राज अदा किया है कि मैं उसको लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। जिस वक्त मुझ अली का दिल तंग हो जाता है, मैं इस सहरा में आता हूँ, इन कुओं और गढ़ों में अपने मुंह को डालता हूँ और इनसे बयान कर देता हूँ और अपने राज इन गढ़ों में दफना देता हूँ। मीशम है, मीशम ने फरमाया कि अच्छा, अब मीशम का यकीन हो गया, वरना आप और हमारी तरह सवाल कर लेता कि अपना अमीर है, अमीर अलमोमिनीन, आप किस तरीके से गढ़ों में बातें करते हैं, किस तरीके से इस मिट्टी से गुफ्तगू करते हैं। मीशम का यकीन हो गया, वापस आ गया अपने घर। उसके बाद हजरत मीशम जा रहे हैं अली के साथ। मौलाए कायनात ने मीशम से फरमाया कि मीशम, वो जो उस कोने में तुम पौधा देख रहे हो ना, छोटा सा दरख्त। कहा कि हाँ, मेरे आका, देख रहा हूँ, यहाँ से मेरे जवान और मेरे बुजुर्ग में खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। सुने, एक तारीखी और इल्मी वाकया भी है और एक फजाइली और कमालात से भरपूर मुकम्मल वाकया है। मौला ने फरमाया मीशम से कि मीशम, वो पौधा देख रहे हो? कहा कि हाँ आका। कहा कि जानते हो वो पौधा क्या है? कहा कि नहीं आका। फरमाया कि वो पौधा वो है कि जिस पर तुझे फांसी दी जाएगी। याद रखे, शायद आज तक आपने तारीख में पढ़ा हो, जो अलामा खुदाबाद ज़ाकिरीन से सुना होगा कि वो दरख्त खजूर का दरख्त था। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, वो दरख्त खजूर का दरख्त नहीं था, वो दरख्त बेरी का दरख्त, बेरी का दरख्त, बेरी तो जानते होंगे ना, बेरी का दरख्त था। इसलिए कि तारीख में जो जुमले आए हैं वो आए हैं सदर सिद्र, सिद्री के दरख्त, सिद्री का दरख्त था वो। सिद्र जैसे नमाज मैयत जब इंतकाल हो जाती है उसमें देते हैं, और सिद्री से बेरी के पत्तों से, तो इसी मुनासबत से दिया जाता है। उसके बाद सलमान ने जैसे ये फरमाया कि अच्छा इमाम, हम और आप होते, अगर आप और हमें कोई ये खबर दे कि तुमको इस दरख्त पर फांसी दी जाएगी, इस दरख्त के जरिए से, इस दरख्त की वजह से तुमको मौत आएगी, तो हम और आप क्या कहते मौला से? यही कहते ना कि आपका इस दरख्त को खत्म कर दीजिए, मिटा दीजिए, जिसकी वजह से आपके सहाबी की जान जाए उसका क्या फायदा। मगर ऐसा नहीं हुआ जिसने मोहतरम, मीशम ने अपनी जिंदगी के रवैये को चेंज कर दिया, बदल दिया। अब रोजाना उस पौधे के पास आया करते थे, उसमें पानी दिया करते थे और बार बार फरमाते थे कि ये दरख्त तुझे पता है, मेरे आका ने मुझसे कहा है कि मुझे तेरे ऊपर सजा दी जाएगी, मेरी जबान काट दी जाएगी। अजीजा ने मोहतरम, तारीख ये बताती है कि वो वक्त भी आ गया कि जिस वक्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बुलाया मीशम को, दरबार में बुलाया गया मीशम को और मीशम से फरमाया गया कि अली पर लानत कर। मीशम ने फरमाया कि इससे पहले मैं अली पर लानत करूं, खुदा मुझे जहन्नम रसीद कर दे। फिर उसने फरमाया कि अली पर लानत कर। मीशम ने फिर मना कर दिया। तीसरी मरतबा फिर उस बदकार ने फरमाया कि अली पर लानत कर। अब होना क्या चाहिए था? अगर किसी गैर का सहाबी होता, एरों गैरों का चाहने वाला होता, अपने मौला पर लानत कर देता, मगर अली का चाहने वाला था। मीशम ने फौरन फरमाया, तुझ पर लानत, तेरे
तेरे अंगूर पर लाना तुझ पर लानत, तेरे अमीर पर लानत। अब वे तुझे अपने साथ गुस्से में आ गया, फरमाया कि तू मुझ पर लानत करता है, मेरे दरबार में होकर तेरी इतनी हिम्मत। अब मीसर ने फरमाया, मीसर ने फरमाया कि तू मुझे डराता है। वे तुझे अपने साथ ने फिर कहा कि अली पर लानत कर। अब फिर से मीसर ने फरमाया तुझ पर लानत, तेरे अमीर पर लानत, तेरे अमीर के पूरे खान वादे पर लानत। अब मीसर को उसने फिर से डराया। मीसम से क्या फरमाया तीसरी मरतबा सुनो। मीसम से फरमाया कि तेरी जबान काट दूंगा, अली पर लानत कर दे, अली पर लानत कर दे, तेरी जबान कट जाएगी, अली पर लानत कर दे। अब होना क्या चाहिए था, अगर आप ठीक हो जबान काटने का दावा करें और आपसे कहे आप फौरन कर दोगे क्या मेरे मौला पर लानत, मेरे आका पर लानत। मगर मीसम ने यह नहीं किया। जीसा ने मोहतरम मीसम से जैसे उसने कहा कि अपने आका पर लानत कर वरना तेरी जबान को काट दिया जाएगा, अब मीसम ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम मेरी जबान को काटने के डर से मुझे डराना चाहता है, अब मुझे मेरे आका ने कई साल पहले खबर दे दी थी कि तुझे एक बदकार माँ का बेटा अपने दरबार में बुलाएगा, तो तेरे आका पर लानत करने के लिए कहेगा मीसम तेरी जबान काट दी जाएगी। अब ये सुनना था ये ज्यादा परेशान हो गया, कहा कि मैं अली को झूठा कह रहा हूँ, अली ने तुझसे खबर दी है ना कि तेरी जबान काटी जाएगी, इसने दावा किया कि मैं तेरी जबान नहीं काटूंगा। मीसम को दार पर लटका दिया गया। दार पर लटकाने के बाद मीसम ने क्या किया, मीसम ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों को इकट्ठा कर दिया। जैसे ही लोग तख्ते दार पर है, मीसम नीचे है, अवामुन्नास लोग, उसके बाद मीसम ने अहले बैत के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिया। इसने क्या कहा था कि मैं अली को झूठा ठहराऊंगा, झूठा साबित करूंगा। अली ने तुझे खबर दी है ना कि तेरी जबान काटी जाएगी, मैं तेरी जबान नहीं काटूंगा। मीसम ने क्या किया, लोगों को जमा किया। मीसम ने अहले बैत के फजाइल बयान करना शुरू कर दिए। ए लोगों सुनो, मेरा आका वो है कि जो जन्नत का सरदार है, जो इस कायनात का सरदार है, जो राजी भी है, जो नफसुल्ला भी है, जो एमुल्ला भी है, जो मजमुल्ला भी है, जो यदुल्ला भी है। ये जुमला तो बच्चों से सुनिएगा। अब मीसम है फजाइल अहले बैत बयान कर रहे हैं। उबैदुल्ला को खबर दी गई वो कि जिसने ये दावा किया था कि अली को झूठा ठहराऊंगा, तेरी जबान में काटूंगा, उसने हुक्म दिया कि अगर मीसम को खामोश ना किया गया तो ये हमारे सजरों को कंगाल देगा। जल्लाद को हुक्म दिया मीसम की जबान को काट दे। जल्लाद जैसे मीसम के करीब आया जबान काटने लगा, मीसम ने कहा बदकार ठहर जा, जाकर अपने हाकिम से कह देना वो जो दावा कर रहा था ना क्या अली को झूठा साबित करेगा, मेरी जबान ना काटेगा, अब तू मेरी जबान काटने के लिए आ गया है, अपने हाकिम से कह देना मेरा आका सच्चा है, तेरा हाकिम झूठा है। लाखों की तादाद में लश्कर इकट्ठा करके डरा रहे थे कि अहले बैत का जिक्र बंद हो जाए, अहले बैत के नाम और नसब को खत्म कर दिया जाए, मगर नस्ल में और रगों में खून अबू तालिब था, इसलिए किसी से जिक्र अहले बैत और अहले बैत के घराने को कोई बंद ना कर सका। मैदान करबला में जिस वक्त अली अकबर, कौन अली अकबर है, मोहब्बत हुसैन अली अकबर को इतनी थी कि जब जब हुसैन ही चाहते थे ना कि नाना की ज्यारत करें, मसायब नहीं अभी एक जुमला अली अकबर के हवाले से कहना है उसके बाद मसायब पढ़ूंगा। जब जब हुसैन को ये तमन्ना होती थी कि वो नाना की ज्यारत करें तो ज्यारत करते थे अली अकबर की। जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मैदान में
زیاد کے دربار میں آئے ہیں نا؟ ابن زیاد نے پوچھا کہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے اس کا نام کیا؟ فرمایا کہ علی. علی اکبر جسے ٹکا نہیں دیکھا. فرمایا کہ جو نیزے پر ہے اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا کہ علی. علی اصغر کے سر کی طرف دیکھا, فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ علی. اس نے فرمایا کہ کتنے علی لے کر آئے تھے؟ کتنے علی لے کر آئے تھے؟ امام سجاد نے اس جملے کو سنا اور سننے کے بعد فرمایا کہ قسم خدا کی اگر میرے والد کو پروردگار عالم نے 100 بیٹے بھی عطا کیے ہوتے تو میرے بابا ہر ایک کا نام علی رکھتا, ہر ایک کا نام علی رکھتا, ہر ایک کا نام علی رکھتا. جملے سنے گئے عزیزان محترم؟ ہر ایک کا نام علی رکھتا. اب ابن زیاد نے جملے کو سنا کہ علی رکھتا, علی رکھتا, علی رکھتا. کہا کہ علی کیوں رکھتا؟ فرمایا کہ میرے بابا کو میرے دادا سے بڑی محبت تھی, میرے بابا کو میرے دادا سے بڑی محبت تھی. اس لیے میرے بابا یہ چاہتے تھے کہ اگر میرے یہاں پر 100 بیٹوں کوئی بھی ولادت ہوگی تو میں ہر ایک کا نام علی رکھوں گا. اس لیے میدان کربلا میں میرے بابا کے جتنے بھی بیٹے تھے سب کا نام علی, سب کا نام علی, سب کا نام علی. اب امام سجاد نے مسکرا کر اتنے زیاد کی طرف دیکھا اور فرمایا, او بد کردار ماں کے بد کردار بیٹے, میرے بابا نے جو ہمارے نام علی رکھے ہیں نا اس پر اعتراض نہ کر, اس لیے کہ اگر تیرے باپ کو تیرے دادا کا پتا ہوتا, اگر تیرے باپ کو تیرے دادا کا پتا ہوتا تو تیرا باپ پھر اپنی تمام اولاد کے نام تیرے دادا کے ناموں پر رکھتا. امام نے فرمایا کہ میرے بابا نے اپنے ہر بیٹوں کا نام علی رکھا. کیا نام ہے علی اکبر کا؟ علی اکبر. علی اکبر مولے امام علی اکبر کا نام علی اکبر کربلا سے پہلے نہیں تھا. کربلا کی جنگ سے پہلے مولا علی اکبر کا نام تھا. علی تو نام تھا مگر لقب تھا علی اوسط. علی اکبر امام زین العابدین علیہ السلام. لیکن میدان کربلا میں کیونکہ میدان میں مقتل میں صرف 2 علی آئے ہیں, ایک حضرت علی اصغر دوسرے حضرت علی اکبر. مولے امام زین العابدین چونکہ معجزے کی بنا پر اور کسی مسئلہ حد کی بنا پر مرض میں مبتلا تھے, اس لیے مولا کو لشکر یزید نے پہچانا. جب جنگ کربلا ہو گئی تو جناب علی اصغر اور جناب علی اکبر کی معرفت اور پہچان اس طریقے سے کی گئی کہ یہ حسین کا چھوٹا بیٹا ہے تو اس کو اصغر کہا گیا, یہ حسین کا بڑا بیٹا ہے اس کو اکبر کہا گیا. علی اکبر آئے میدان میں, میدان میں جیسے ہی آئے لشکر یزید جیسی علی اکبر کو گھوڑے پر سوار دیکھا, کسی نے کہا کہ یہ تو یوسف آ رہا ہے. کسی نے کہا کہ نہیں نہیں یوسف نہیں, وہ تو بہت پہلے رحلت کر لے, یہ تو نبی آ رہا ہے. کسی نے کہا کہ نبی نہیں, یہ تو بشر کے لباس میں ملائکہ آ رہا ہے. ایک گفتگو لشکر یزید میں شروع ہو گئی. علی اکبر جیسے قریب پہنچے فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں یوسف ہوں, تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں فرشتہ ہوں. یاد رکھو جب علی اکبر میدان میں آئے ہیں نا, علی اکبر کو دیکھ کر نعرہ تکبیر لشکر یزید کی طرف سے بلند ہوا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جملہ پڑھ دوں آپ کے سامنے, جو سمجھ جائیں گے ان کو میں سلام کر. جسے دیکھ کر اللہ کی کبریائی یاد آ جائے اسے علی اکبر کہتے ہیں. یاد رکھو جوانو, جب مدینے کے لوگ علی اکبر کو دیکھتے تھے تو رسول کی یاد آتی تھی, فوراً ذہن میں رسول کے اقوال, رسول کے افعال, رسول کے اذکار ذہن میں دوڑتے تھے. یہ کر ہوتا تھا کہ رسول آ رہے ہیں مسجد کی طرف چلو, رسول نے نماز کے لیے کہا. علی اکبر کو دیکھتا خدا کی کبریائی یاد آتی تھی. ہمارا اور آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ جب ہم علی اکبر کی سیرت کو پڑھیں, کم سے کم اور کسی کے لیے نہیں تو میرے جوان حضرت علی اکبر کو یاد کریں اور اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچائیں. بہت بڑی ذمہ داری کا نام ہے نماز.
इमाम ने हजरत अली अकबर से अजान दिलाई है छोटा शोर अगर आपको बताओ। मौसी नहीं है इमाम के, परमानेंट जो मौसी है वो हज्जाज इब्न मसरूक हैं, इमाम मदीने से लेकर आए हैं, मगर अजान अली अकबर से दिला रहे हैं। क्यों? इसलिए कि लोग जिस वक्त अली अकबर को देखते थे तो खुदा बंदे करीम को याद क्या करते थे। इमाम ने फरमाया कि देखो ये अजान में इसलिए दिलवा रहा हूँ ताकि कयामत तक नौजवान अली अकबर का जिक्र और अली अकबर को जब जब याद करें खुदा की याद उनके दिलों में ताज़ा हो जाए। अली अकबर आए मैदान में, आपको जुमला है अली अकबर जैसे मैदान में आए तो फरमाया कि यूसुफ आ रहा है, किसी ने कहा कि नहीं मलक आ रहा है, किसी ने कहा कि नहीं हुजूर आ रहे हैं। अब यूसुफ ने, अब जनाब अली अकबर ने फरमाया कि तुम मुझको यूसुफ से ताबीर कर रहे हो, अब कहाँ यूसुफ और कहाँ मैं। यूसुफ वो है कि जो हमारे जग के पसीने से खल्क हुआ है, ये फख्रे यूसुफ हूँ, हमारी खिलकत नूर से हुई है। अंदाज़े मोहतरम अली अकबर को कैसी मोहब्बत थी, सिर्फ मौलाना हुसैन को मोहब्बत नहीं थी। अली अकबर की एक बहन सुगरा मदीना, खुदा आपकी बहनों को सलामत रखे। जिन भाइयों के यहाँ पर बहने हैं अपनी बहनों के हक में दुआ करें, और मेरी माए बहने अपने भाइयों के हक में दुआ करें। यकीनन आज की शब जिस हस्ती का जिक्र होने जा रहा है ना, आप अपने भाइयों और अपनी बहनों को हक में दुआ करें, इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी। कौन है ये? मदीने में बहन से वादा करके आए थे कि बहन सुगरा में तुझे लेने आऊँगा, मगर वादा वफा ना कर चुके घर से। रोज़े आशूर हुसैन का लश्कर ख़त्म हो गया। मैंने कल भी फरमाया था अगर रोना ना आए तो अपनी गर्दनों को नीचे झुकाए, आँखों को बंद करें, खुदा से इस्तग़फ़ार करें, इसलिए कि खुदा बंदे करीम हर आँख से हुसैन के मसाइल पर आंसुओं का उजारी नहीं करवा सकता। अली अकबर है, जैसे ही असर का वक्त हुआ अभी इतने मजाहिर मख्तल में गए, हुसैन ने गिरिया नहीं किया। कासिम मख्तल में गए, हुसैन ने कोई अफसोस नहीं किया। ओन मोहम्मद मख्तल में गए, हुसैन ने गिरिया नहीं किया। हुसैन का भाई अब्बास मख्तल में गया, हुसैन ने गिरिया ना किया। मगर जब अली अकबर इजाजत लेने के लिए आए, हुसैन ने आवाज में दिया फरमाया बेटा अकबर, जब जब नाना को याद करता है तेरी ज़ियारत कर ले तो बेटा ने तुझे कैसे मरने की। अली अकबर है अपने वालिद की खिदमत में, आका बाबा जान मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। रिवायत ये बताती है कि हुसैन इब्ने अली ने अपनी गर्दन को झुका लिया, फरमाया कि बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, मगर जिसने 18 साल तुझे पाला है बेटा अपनी फूफी के पास जाओ, पहले अपनी फूफी से इजाजत लो। रिवायत ये बताती है मुझे सिर्फ मसाइब के 2 से 3 जुमले पढ़ने हैं और उसके बाद आपकी जहमतों को तमाम करना है। तारीख ये बताती है कि अली अकबर हजरत ज़ैनब की खिदमत में आए, इजाजत को तलब किया, अब अम्मा फूफी अम्मा से इजाजत पर इसरार के बाद मिली। तारीख ये बताती है कि अली अकबर को जैसे इजाजत मिली ज़ैनब की खिदमत में आए, खिदमत में आने के बाद अम्मा को आखिर सलाम किया, रुख्सत होने में इजाजत मिल गई चमकी। अब इमाम हुसैन से पैगाम, हुसैन से रुख्सत होने से पहले हजरत अली अकबर अपने सज्जाद के खेमे में आए, और जैसे ही सैयद सज्जाद के खेमे में आए नजर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के शाने पर हिला, फरमाया फिर सज्जाद आपका भाई अली अकबर मैदान में जा रहा है। सज्जाद पर हशदारी हो गया, जैसे ही हशदारी का आया फरमाया अली अकबर जा रहे हैं, फरमाया अली अकबर जा रहे हैं, क्या माहौल है, क्या मंजर है। अली अकबर गिरिया करना शुरू हो गए, दोनों भाइयों ने आपस में एक दूसरे को गले लगा लिया। अली अकबर ने एक जुमला फरमाया जा रहा हूँ
अब इस जुमले पर वो किसी और क्रिया करेंगे कि जिनके यहाँ पर औलाद है, खुदा आपके बेटों को सलामत रखे, खुदा आपके बेटों के जवानियों को सलामत रखे, जो साहिब औलाद है ना मेरे हाथ छुड़ा हुआ है, इस जुमले पर जरूर क्रिया कीजिएगा। अली अकबर मैदान में चले, देखा कि पीछे पीछे हुसैन आ रहे हैं, अब अली अकबर से अली अकबर ने देखा कि बाबा मक्तल में आ रहे हैं, अली अकबर फिर गए, हुसैन आगे बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अली अकबर ने पूछा बाबा 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 चाचा पास गए आप उनके पीछे लग रहे और मोहम्मद गए उनके पीछे नहीं है, बाबा भैया कासिम गए आप उनके पीछे नहीं रहे। अली अकबर ने फरमा बाबा आप तो मुझे इजाजत दे चुके थे, बाबा मेरे पीछे क्यों आ रहे, इमाम ने जुमला फरमा अली अकबर ए बेटा काश तो साहिब है औलाद हुसैन है
कमर झुकाने वाले पास की शहादत के बाद आंखों से दिखाई नहीं देता। एक मरतबा कोशिश की, अली अकबर का जनाजा ना उठा। दूसरी मरतबा कोशिश की, जनाजा ना उठा। शर्मा कर उठा, बनी हाशिम के बच्चों आओ मेरे मदद करो। आप इंसाफ से बताएं, छोटे छोटे बच्चे क्या जाने कैसे जनाजे को उठाते हैं। तारीख ये बताती है मक्का में पहुंचे तो ये हाशिम के बच्चे नाशा उठाने नहीं जाते थे। किसी ने अली अकबर के सर को पकड़ा, किसी ने बाजुओं को पकड़ा, किसी ने पैरों को पकड़ा। हुसैन पीछे पीछे चले, अली अकबर का लाशा खेमा में आया। अली अकबर ने देखा कि लाशे पर सारी दुनिया है, जैनब दुनिया कर रहे हैं, हुस्सा दुनिया कर रहे हैं, उनने फरवा दुनिया कर रही। एक माँ के नाम से क्या आयत जवान में तो लेकर आए कयामत का जुमला है। हिस्सा से मौला ने फरमाया तो हिस्सा अली अकबर की माँ की पाई नहीं दे रही है। हिस्सा अली अकबर की माँ को देखो, अब हिस्सा कहती है तो मैं सही हूँ। मैंने आज मंजर देखा, एक माँ है बाहर जवान में तो कलाशा पड़ा हुआ है, अर्थ जुम्मन मेरा है, उन्हें मेरा खेमे के चारों तरफ जाती है, मगर उन लोगों को दूसरा समय बिताई देता। हिस्सा ने फरमाया तेरे लाल का जनाजा, अरे एक बोलो रोके पुलिस।